मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को करीब 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा विभाग के कार्य को तेज करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलजुल कर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर, पौड़ी और चंपावत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। वहीं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र का भी लोकार्पण किया गया। जो परंपरागत स्किल्स है, हमारी बाल काटने वाले मित्र, हमारी घर बनाने वाले राजमिस्त्री, हमारी जो लकड़ी के काम करने वाले हस्तकार भाई, मूर्तिकार भाई, बुनकर भाई, इन सभी के लिए भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना की कल्पना की है। ये बड़ा सुखद संयोग है, प्रधानमंत्री जो भारत की श्रम शक्ति को नई पहचान दिया है। जब भी कभी कोई नया प्रकल्प होता है या कोई आयोजन होता है, अभी देखिए G20 की आयोजन समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आभार वहां की जो प्रबंधन में लगे हुए श्रम शक्ति था उनको ही किया। देखिए पीएम श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में दो स्कूलों को चयन करे और वो मानक भी भारत सरकार के तय है और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने की पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया प्रथम चरण में, लगभग 150 करोड़ रुपया हमको मिल भी चुका है, प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपये मिल गई है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का भी, देश के शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में ये स्कीम सबसे पहले लागू की। उत्तराखंड में वास्तव में हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है ये साबित कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी नरसिंह जी के अथक प्रयासों से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, नई शिक्षा नीति जो आई है उसको लागू करने में अग्रणी है हमारा उत्तराखंड और उसमें जो विद्या समीक्षा केंद्र आज जिसका उद्घाटन लोकार्पण हुआ है इस पर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पूरे शिक्षा क्षेत्र के विद्यार्थी और अध्यापक और मैनेजमेंट इन सबके बीच में एक तालमेल होते हुए सब प्रकार की जानकारी एक स्थान पर रहेगी और जिस प्रकार से रिसर्च के लिए आज स्कॉलरशिप की घोषणा की है, ये मुझे लगता है कि उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए एक नए अवसर प्रदान होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी पुख्ता करनी चालू कर दी है। इस सिलसिले में देहरादून के एक निजी होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बैठक में 3 विषयों पर चर्चा की गई, अब तक हुए कार्यक्रम और आने वाले कार्यक्रमों पर भी समीक्षा की गई है। अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है, संगठन की ताकत से ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक समूह बनी है। देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सबसे विश्वसनीय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण की हम लोगों ने नई मिसाल खड़ा किया है। वो नेतृत्व आज सिर्फ देश की अंदर सीमित नहीं रहा है, भारत की मॉडल आज ग्लोबल मॉडल बन चुका है। G20 की सफल समापन इसकी सबसे बड़ा उदाहरण है। विश्व की तमाम नेतृत्व आके भारत की विकास की कामों को सराहना किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को समझने का कोशिश किया। चंद्रयान की उपलब्धि हो या Aditya L1 की इनिशिएटिव हो या भारत में गरीबी रेखा में लोगों को बाहर निकालने की बात हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उत्तराखंड दौरे से अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ महीने बाद चुनाव है और अब शिलान्यास करके उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है और अगर शिलान्यास करना होता तो 3 साल पहले कर चुके होते, अब तक स्कूल बन गए होते और लोग उसका लाभ भी ले सकते थे।
प्राइवेट स्कूलों के लिए पॉलिसी तो बना दी गई है, लेकिन खुद के सरकारी स्कूलों में अभी भी टीचर नहीं है। देखिए अभी चुनाव है कुछ महीने बाद, और आज शिलान्यास करके ये उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे। अगर यही काम करना था तो 3 साल पहले हो जाता, ताकि स्कूल अभी तक बन चुके होते और लोगों को उसका लाभ मिल रहा होता। आज आपके द्वारा जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो रही, वहाँ साधनों की व्यवस्था नहीं हो रही, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, किताबें समय से नहीं बंट पा रही, उसकी व्यवस्था को ठीक करें। आपने प्राइवेट स्कूलों को कह दिया कि इतने शौचालय होने चाहिए, CCTV कैमरे होने चाहिए, इतने अध्यापक अध्यापिकाएँ होने चाहिए, और आपके खुद के सरकारी अस्पतालों स्कूलों में जो है आज टीचर्स नहीं हैं, उसकी ओर को ध्यान देना चाहिए। नए उद्घाटन करने से क्या होगा, शिलान्यास करने से क्या होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। देहरादून स्थित सचिवालय में करीब 1.5 घंटे चली बैठक के बाद मुख्य सचिव SS संधू ने फैसलों की जानकारी दी, जिसमें कि सचिवालय प्रशासन में 4 कनिष्ठ सहायक को हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार नौकरी को हरी झंडी दी गई है। दूसरा, औली के वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग डेस्टिनेशन के बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही अन्य 4 फैसलों पर मुहर लगी है। हैम्पटन कोर्ट स्कूल में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के तत्वाधान में स्कूलों में हेरिटेज क्लबों की स्थापना के लिए विभिन्न हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय धरोहर को संरक्षित करने के बारे में विस्तार से बताया गया। मौके पर दिल्ली से आई विरासत की प्रिंसिपल डायरेक्टर पूर्णिमा दास ने बताया कि इंटेक पूरे देश के स्कूलों में हेरिटेज क्लब बनाने का कार्य कर रही है, ताकि बच्चों में अपनी विरासत को संजोकर रखने और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहे। हमारा ये पहला प्रयास है मसूरी में एक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप करने का, और अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम देहरादून में 1-2 महीने में करें, फिर नैनीताल में करें, और स्टेट में जो हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सब 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हम कम से कम नहीं तो एक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप ज़रूर करें, क्योंकि जब हम शिक्षकों को सिखाएंगे कि हमारी धरोहर और हमारी हेरिटेज का कंजर्वेशन कैसा होना है, फिर वो ये मैसेज जो है एक अपने एक लार्जर ऑडियंस अपने स्कूल्स को दे पाएंगे। तो सर, ये करीब 8 स्कूल्स के टीचर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स्ड, मेनली मसूरी के ही। हमने आसपास के भी बुलाए थे, पर सनातन धर्म, रामा देवी, आपका हैम्पटन कोर्ट, वुडस्टॉक स्कूल, ओक ग्रोव, और आपके मसूरी पब्लिक स्कूल, हेब्रॉन स्कूल, और आपका योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर तो हैं, और टीचर्स आई हैं, करीब 12 टीचर्स हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जैसे इनको, मतलब अभी जैसे ये बड़ा इंटरैक्टिव सेशन था आप अभी ये जो हमने अभी किया है, तो उससे टीचर्स को ये समझ में आया कि क्यों मसूरी के लिए ज़रूरी है, कि मतलब हम एक इंटैक्ट की इंडिया की पिक्चर तो देख रहे हैं, लेकिन मसूरी के लिए क्यों ज़रूरी है। और हम सारे देश में स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ काम कर रहे हैं, और बच्चों में ये हम भावना डालना चाहते हैं कि अपने जो लोकल हेरिटेज है, जो आपके आसपास में हेरिटेज है, उसकी आप कैसे देखभाल कर सकते हो। तो हमारे 4000 के करीब हेरिटेज क्लब्स हैं जो हमने ऑल ओवर द कंट्री सेटअप किया है, और हमारे इंटक के 220 चैप्टर्स हैं, और करंटली हम यहाँ पे मसूरी में आए हैं और हम टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने ऑफिसर्स क्लब यमुना कॉलोनी देहरादून में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई और कुपोषित महिलाओं को पोषण किट वितरण किया, साथ ही लाभान्वित महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी वितरित की गयी। जो महिलाओं से बेटियाँ उत्पन्न होती है, क्योंकि वो एक प्रोत्साहन बेटियों के लिए था, तो इस प्रयोजन से इस योजना का हम लोग लेकर आए थे। चूँकि लगातार 2017 के बाद से हम इसका वितरण कर रहे हैं, तो हमारे पास में लगातार इस प्रकार के अनुरोध आते हैं माताओं की तरफ से कि मैं आपकी जब बेटियों की पैदा होने पर है तो बेटियों के पैदा होने पर भी हमें मिल जाए, तो आभारी रहेंगे। मुझे लगता है कि उनकी मांग के अनुसार में, और चूँकि बेटा और बेटी समान है, या संदेश देने को दृष्टिकोण से बेटियों के पैदा होने पर विभाग अपनी ओर से प्रस्ताव तैयार कर रहा है कि महिलाओं को भी जो है महालक्ष्मी दिया जाए, तो विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। वर्तमान में वित्तीय स्तर पर वह प्रस्ताव है, जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम उसकी भी शुरुआत।